लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों सहित अन्य मतदान केंद्रों पर कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनांदगांव के आईजी प्रभारी दीपक झा ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 4 जिले हैं। चारों जिलों की मांग के मुताबिक फोर्स भी आ गई है। CAPF पैरामिलिट्री की 60 कंपनियों के अलावा हमें मध्य प्रदेश से भी फोर्स मिली है। इन सभी को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें हमारे 4 जिले आते हैं, रेंज के चारों जिले हैं। कबीरधाम जिला है, खैरागढ़ है, राजनांदगांव है और मोहला मानपुर है। इन चारों जिलों के लिए जो हम लोगों ने डिमांड भेजा था और जो हमारी आवश्यकता थी उसके अनुरूप हमारे पास अभी फोर्सेज बाहर से भी आ गई है और अराउंड 60 कंपनीज ऑफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है CAPF वो सब जिलों को मिलाकर मिला है। साथ ही मध्य प्रदेश की जो फोर्सेज है वो भी मिली है और हमारे पास पहले से जो इंस्टीट्यूट हमारे पास जो फोर्सेज हैं CAPF की और जिला बल की वो सभी हम उपयोग करेंगे। तो सभी की डिप्लॉयमेंट पूरी कर ली गई है, पुलिस ऑब्जर्वर के साथ, जनरल ऑब्जर्वर, सामान्य प्रेक्षक के साथ और सभी अधिकारियों के साथ बातचीत करके उसको बना लिया गया है और इसके अनुरूप बल को डिप्लॉय किया गया है और निश्चित रूप से पूरे सुरक्षात्मक तरीके से इसको चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। इसके लिए जैसे पहले फेज में हम लोगों ने बॉर्डर पे जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं गढ़चिरौली, गोंदिया और MP के जिले हैं, वहां से हम लोगों ने संपर्क किया था और उनको जो भी सहयोग चाहिए था वो हमने दिया था। उसी प्रकार हमारे फेज के लिए भी, चूंकि वहां मतदान खत्म हो गया, सेकंड फेज के लिए भी हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से बात करके हमारे फेज के लिए भी, इलेक्शन के लिए हम लोगों ने उनसे सहयोग की मांग की है और उसके अनुरूप ही बॉर्डर पे भी हमारे उनके तरफ से फोर्सेस का प्लान बनाया गया है। क्योंकि नक्सल प्रोन एरियाज काफी हैं जी, इसमें मोहला मानपुर विशेष करके जो हेविली इफेक्टेड LW डिस्ट्रिक्ट में आता है और बाकी 3 जिले जो है राजनांदगांव, खैरागढ़ और कबीरधाम, उस पर भी नक्सली प्रेजेंस रहते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने विशेष सतर्कता बरती है और फोर्सेज के साथ भी पुलिस अधिकारियों ने बैठक करके उनको पूरी तरह से सतर्क रहने को बताया गया। सब जगह एरिया डोमिनेशन और आरओपी जहां भी आवश्यकता है फोर्सेज का इंडक्शन और डी इंडक्शन के समय पूरी तैयारी की जाएगी। साथ ही हम लोगों ने अपने सोर्सेज को भी एक्टिवेट कर दिया है, किसी प्रकार की कोई सूचना रहेगी तो तत्काल उस पर हम कार्रवाई कर सकें, इसके अनुरूप हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है। क्या किसी प्रकार